हमारी जो नाभि होती है उसमें हमारी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे राज छुपे होते हैं। क्या इसका बेनिफिट है, क्या ये कर सकती है, और बस एक कुछ ऐसी ही आज बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हमेशा बोलती हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें ना वो काम करती है लेकिन टाइम लेती हैं, तो बने रहिएगा, अच्छे से चीज़ों को देखो, समझो, सुनो और फिर करना, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जब बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो वो जो अपना सारा जो भी खाना, न्यूट्रिशन जो भी उसको मिलता है ना, वो इस नाभि के थ्रू ही मिलता है। तो जो नाल होती है वो नाभि से जुड़ी होती है, जब बर्थ होता है तो उसको कट कर दिया जाता है। तो इसी नाभि के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको कि हम बहुत सी चीज़ें इग्नोर करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि आजकल इन सब चीज़ों को ओल्ड फैशन माना जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओल्ड फैशन है चीज़ें, लेकिन ओल्ड हो या न्यू, तो आपको समझ के करना होता है कि क्या चीज़ें काम करती हैं, कौन सी चीज़ों पे काम करना चाहिए, कौन सी पे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से नाभि रिलेट करती है आपकी ब्यूटी से, आपकी हेल्थ। मैं पिछले कई दिनों से अपनी नाभि में तेल लगा रही हूँ, ठीक है। दो तेल मैंने यूज़ किए हैं, तो दोनों ही आपको बताऊँगी क्या दोनों के फ़ायदे हैं और किस तरह से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले नाभि में तेल लगाना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप करने, हमेशा बोलती हूँ कि कुछ बड़ा सोच के मत चलिए, धीरे धीरे एक एक कदम चलिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती हैं, बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो करना क्या है, नाभि के अंदर तेल लगाना है। किस टाइम लगाना है, कौन सा लगाना है, सब बताएंगे। तो सबसे पहले तो नाभि के अंदर तेल लगाना है, डेली लगाना है। आप दो बार लगा सकते हैं, सुबह जब नहा के आप बाहर आते हैं ना, जैसे ही आप नहा लेते हैं उसके बाद अपनी नाभि पे तेल लगाएं, और एक बार रात को सोने से पहले। मैं कहती हूँ अपने बच्चों को भी लगाएं, जितने भी घर में बंदे हैं ना सबको लगाएं। तो फिर देखें आपकी सबको क्या क्या बेनिफिट इसके मिल रहे हैं। देखिए आपकी स्किन पे तो प्रॉब्लम है कि पिगमेंटेशन है, किस तरह से ये रिलेट करता है पिगमेंटेशन से, क्या इसका कोई रिलेशन है पिगमेंटेशन से? तो आप तो उस चीज़ को जो है सोल्व करने के लिए लगा रहे हो, लेकिन बाकी जो मेंबर है, किसी के लिप्स फटे होंगे, किसी की स्किन ड्राई होगी, तो उन लोगों को भी लगाओ और जैसे जो चीज़ें वो करते ना वही करने दो, और फिर देखो उनको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये चीज़ काम करती है या सिर्फ बोलने के लिए है, ठीक है। तो बोलने के लिए तो नहीं है, इतना तो मैं आपको श्योर कर देती हूँ, ठीक है। जितनी भी चीज़ें बोली जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करती है हमारी हेल्थ से, हमारी ब्यूटी से। बस थोड़ा सा सोचने की समझने की ज़रूरत है। तो हमने क्या करना है, डेली इस प्रोसेस को करना है। आपने क्या करना है, देखिए हमारी स्किन, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो मैं पहले से बोल रही हूँ कि हम काम कर रहे हैं पिगमेंटेशन के ऊपर। पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ हो गई है ना, लोग घर से बाहर जाना, दूसरों से बात करना, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, इस वजह से। तो आप सबसे पहले तो खुश रहिएगा, ठीक है। आई नो कि बहुत बार हम अनबैलेंस हो जाती है ना, बहुत बार हम क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं यहाँ पे, कि बहुत बार ऐसे कुछ लोग तो बोलते नहीं हैं, बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोल देते हैं कि स्किन कैसी हो गई है, आप कुछ ट्रीट क्यों नहीं करते, आप इस पे लगाते क्यों नहीं हैं, आप ये इलाज करवाइए, वो इलाज करवाइए, और वहाँ पे फिर हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या क्या हम करें। फिर हम सारे रास्तों में ना भागने लगते हैं, थोड़ा इस रास्ते पे चले, थोड़ा इस रास्ते पे, थोड़ा उस रास्ते पे। ऐसा करने के बाद कोई भी रास्ता काम नहीं करता, क्योंकि इस तरह से करने से कोई चीज़ काम नहीं करेगी। लगातार करने से, एक जगह टिकने से आपकी चीज़ें काम करेंगी। जब आप नेचुरल चीज़ों पर टिके हो ना, तो प्लीज़ टिके रहो, ज़्यादा नहीं, एक दो महीना जब आप ये चीज़ें करोगे और आपको हैबिट हो जाएगी ना, तो 3 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपने क्या करना है, एक चम्मच लेनी है, ठीक है। उस चम्मच को गैस पे हल्का सा गर्म कर लो, जैसे ही वो चम्मच गर्म हो जाएगी उसमें आपने डालना है बादाम का ऑयल, ठीक है। बादाम ऑयल, जैसे वो चम्मच गर्म है तो उसमें बादाम ऑयल डालेंगे तो हल्का सा वो गुनगुना हो जाएगा। उस ऑयल को आपने अपने नाभि के अंदर इस तरह से स्पोज करिए, ये नाभि है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह से फिल कर देना है। जैसे ही आपने इसको फिल किया, आपने क्या करना है, इस पूरी नाभि को अपने को भर देना है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से फिंगर रख के इस नाभि में इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, लगभग 1 मिनट तक इसी तरह से अपनी नाभि में इस तरह से आप मसाज करिए। आपको दिखेगा कि वो ऑयल, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। 1 मिनट तक इस तरह करिए। इस तरह से करने के बाद फिर अपनी नाभि के चारों ओर इस तरह से चार चार फिंगर चारों तरफ
नाभि के चार चार फिंगर्स पहुँच गए, ये नाभि है, चार फिंगर इधर, चार फिंगर इधर, चार इस तरह से, उसको सिर्फ इन चार फिंगर से क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज करना है और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीकों से आपको इसके ऊपर मसाज करनी है इस तरह से, बिल्कुल हल्का प्रेशर देना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस रब करनी है, जी नहीं, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए इस तरह से करनी है, ठीक है, इस तरह से करिए सिर्फ इतने एरिया में। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो नाभि है उसके अंदर ऑयल अच्छे से जाएगा। दूसरा, नाभि सिर्फ ब्यूटी नहीं, हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल वर्क करेगा, ये जो ऑयल डाल रहे हैं हम नाभि के अंदर, तो ये आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और बताता है कि कुछ हो रहा है और आपको इसके ऊपर काम करना है। तो डेली आप ये एक छोटा सा स्टेप है ये कीजिए, आपको बादाम का ऑयल लेना है, मतलब अगर आपको पिगमेंटेशन है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा केमिकल आप लोगों ने यूज़ कर लिए है ना, स्किन को पीलिंग करवाया और भी जो भी केमिकल अपने स्किन पे एज अ क्रीम आपने यूज़ की है इसको रिकवर करने के लिए, तो उस चीज़ पे वहाँ पे क्या हो गया, आपकी स्किन की लेयर बहुत थिन हो गई है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, घी लेना है आपको। हाँ, एक चीज़ और, जो ऑयल आप अपने पेट पे लगाएंगे, अपने नाभि पे लगाएंगे, उसी को थोड़ा सा कुछ बूंदे अपने फेस पे भी इस तरह से आपने लगा लेनी है, 2 से 3 बूंदे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ऐसे करना है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन की बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है और आपको लग रहा है कि आपकी थिन हो चुकी है स्किन, जलन हो रही है स्किन पे, ऐसे में आप घी ले सकते हैं। घी बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें फैट होता है और ये हमारी स्किन पे धीरे धीरे काम करने लगता है। आप घी मैंने बहुत टाइम पहले, लगभग 6 to 7 month पहले मैंने यूज़ किया था अपने स्किन पे, डेली नाइट को मैं अच्छा सा घी लेती थी अपने फेस पे इस तरह से मसाज करके और उसको लगा के छोड़ देती थी और सो जाती थी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, स्किन सॉफ्ट हुई नो डाउट, और जो एक शाइन जो आनी थी वो भी आई, लेकिन क्या हुआ था, मेरी जो स्किन का कलर था ना वो थोड़ा सा डार्क शेड हो गया था, ठीक है। इसका रीजन भी मैंने बाद में इसको नोट किया, उसका कारण क्या था, क्योंकि मैंने जैसा मैंने आपको बताया कि धूप में 1 घंटा मैं डेली जाती थी, जैसे ही मैं ये चीज़ें करती थी और धूप में भी जाती थी, तो सनस्क्रीन एज यू नो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो जो सन टैन था ना वो बहुत मतलब हद तक मेरे फेस पे दिखने लगा था। तो इन चीज़ों का आपने देख लेना है। तो उसके बाद से मैंने क्या किया है कि मैं बादाम का ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये ऑयल मेरे लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ चीज़ों को यूज़ करो, उसके बाद देखो समझो तब आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने वो जो घी है उसको बंद कर दिया, देखिए बहुत एक टाइम होता है, जैसे सर्दियाँ होती है, सर्दियों में घी सब लोग खाते भी हैं, उस टाइम पे उसको खाना भी और लगाना भी है, क्योंकि बॉडी जब उसको खा रही है तो उसको पता है कि इस टाइम पे ये चीज़ मेरे शरीर के अंदर आ रही है, तो वो उसके लिए मतलब नोन होता है, तो वो उसको जानती है। जैसे ही हम उसको अपनी स्किन पे लगाएंगे ना तो वो अच्छे से हमारी स्किन के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन लगाने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 1 घंटे तक अपने जो फेस है उस पर मैंने घी लगाया, उसके बाद कोई भी एक फेस मास्क लगा के उसको वॉश कर दिया, नहीं तो किसी भी टिश्यू से वॉश कर दो या फिर हल्के गुनगुने पानी से आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो हमेशा बोलती हूँ चीज़ें ख़त्म नहीं कर रही है, उनको थोड़ा सा तरीके से करना है। तो आप ये कर सकते हैं, बादाम का ऑयल आपने डेली लगाना है और आप देखो फिर इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं। इसके साथ साथ आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा, बादाम ऑयल नहीं भी है तो आप शुरुआत कर दीजिए, जो ऑयल आपके पास है उससे शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। तो स्किन पे देखा होगा बहुत ज़्यादा ऑयल और लोशन लगाने के बाद भी ड्राइनेस हो रही है इस वेदर में, जैसे पतझड़ अभी चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को सेम करना है, स्पून को गर्म करो, उसमें कोकोनट ऑयल डालो और उसको नाभि के अंदर डाल दो, आप देखो कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। लेकिन इसके साथ आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपने अपनी बॉडी पे साबुन को यूज़ नहीं करना है, नो सोप मीन्स नो सोप, ओके। लेकिन उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप यूज़ कर लेना, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि गर्म पानी को आपने यूज़ नहीं करना है। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, यानी कि मुझे भी है कि जैसे एज होते होते हमें बैक पेन, पैरों में पेन ऐसा हो जाता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को ठीक है आप वहाँ पे गर्म पानी का
जो बैग होता है वो लगा सकते हैं, पैरों को गर्म पानी में सोक करके रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन पे ऑयल की मसाज बहुत अच्छे से करिए ताकि जो ड्राइनेस हो चुकी है गर्म पानी की वजह से वो चली जाए। तो अभी जो वेदर है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्म ही हो गया है। तो ऐसे में ना अगर ठंडे पानी से नहाने की आपको हैबिट नहीं है तो सिर्फ इतना पानी लो कि उसकी ठंड चली जाए, ऐसे पानी से नहाना स्टार्ट कर दो, तो धीरे धीरे करके आपको हैबिट पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी से नहाना और एक ही दिन प्रण ले लिया कि ठंडे पानी से ही नहाना है, ऐसा आपने नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से स्टेप लेने हैं। तो इसी तरह से अपनी स्किन को लेके भी, गर्म पानी जैसे ही हमारी स्किन पे पड़ता है तो सारा जो नेचुरल ऑयल होता है वो हमारा निकल जाता है, इवन फेस पे भी। गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ मत करो, मैं तो कहती हूँ फेस पे तो टच भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहाने से पहले ही जो भी मास्क वगैरह लगाना है वो लगा लो, अपने फेस को वॉश कर लो और उसके बाद जो भी लगाना है लगा लो, नहाते टाइम सिर्फ यहाँ से नहाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं। आप बादाम का ऑयल डाल सकते हैं नाभि में, आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। सरसों का तेल भी बहुत फ़ायदा करता है, जैसे कुछ लोगों को होता है बहुत जल्दी जल्दी ठंड लग जाती है, तो ऐसे में आप लोग सरसों का ऑयल यूज़ करके देखो, लगातार करके देखो 21 दिन तक, और उसके बाद आप देखो रिजल्ट्स, यानी कि 1 महीना कर सकते हो 15 दिन, लेकिन 1 महीना तो जैसे ही आप करोगे ना आपको तब पता लगेगा कि इस चीज़ ने क्या काम किया है आपके लिए। बट हम क्या है ना, भटक जाते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, अगर वीडियो देख रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं ना तो भटकना नहीं है, नेचुरल मीन्स नेचुरल। और जब कोई काम करने लगते हो ना तो 21 दिन 1 महीना करो बस, 1 महीने के बाद अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप छोड़ देना, क्या ही लगा है। सारी चीज़ें हमारे घर में है, थोड़ा सा हमारा टाइम लगा है देखिए, लेकिन जब हम केमिकल की तरफ जाते हैं तो वहाँ टाइम तो हमारा वेस्ट होता है, उसके साथ साथ हमारा पैसा वेस्ट होता है, और उसके साथ साथ स्किन जो है उसके ऊपर जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना नेगेटिव, वो एटलीस्ट अगर आपको इन DIYs से सपोज करो, वैसे तो रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो एक चीज़ याद रखना कि आपका नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है, 1% भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी कि करना क्या है, किस तरह से करना है। तो बादाम ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, इन सब में से आप अपने, जैसे देखा हो ना कुछ लोगों के लिप्स बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो ये इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। एक बार करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम को इसने एड्रेस किया है, कौन सी प्रॉब्लम इससे आपकी ठीक हुई है। तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन रिजल्ट्स बड़े लेवल पे दिखते हैं, लेकिन एक लंबे पीरियड के बाद। ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और कल रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। बस एक यही इसका साइड इफ़ेक्ट अगर मैं कहूँ तो एक यही है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और लंबे टाइम के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।